नमस्कार, मैं सृष्टि चौहान कक्षा 11 की छात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिता के अंतर्गत आप सब ते एक कवि एक कहानी सुनान चाहूँ जी को नाम छे दया और प्रेम। एक बार की होंदु की एक नव युवक एक बाटा में जांदू, तभी वे की नज़र एक खंभा में पड़ दी। वो देख दू कि तय पे एक पर्ची लगी छे, वो पर्ची निकाल दू तो पढ़ दू। वे में लिखियो छ कि मैं एक असहाय बूढ़ी व लाचार औरत हूँ, किले कि मैं अख देख भी नहीं सकती, मैं कहीं अपड़ो 50 रुपये गिराए दिल, जीते भी वो 50 रुपये मिल लूँ मैं ते लौटाए दिनू, आपका बहुत भला बोलूँ। तभी वो नवयुवक सोच दूँ कि क्यों ना मैं अपने खीसा में से हुए ते 50 रुपये दे दूँ, वे का भी भला हुए जाल ते हुए ते खुशी भी होली। वे निस्लिखी पर्चे से जांद ते देख दूँ कि एक पुरानी झोपड़ी छे और एक बूढ़ी औरत वह मर रहती छे। वो वह ते कह दूँ कि माता जी आपके 50 रुपये जो हर्ची गैल वो मैं ते मिली गए और मैं आप ते दे ना चाहूँ। वे पैसा दीन दे हुए के हथमा और कह दूँ लो आपके 50 रुपये। तभी वह औरत वह ते कह दी, बेटा मैं तय ते जान तू तनी, पर पिछले 2 हफ्ता से यख 200 से भी ज़्यादा लोग आ गए जैन मैं ते कह कि माता आपके हर्चे हुए 50 रुपये मैं ते मिलेगी, पर मेरे तक कोई पैसा हर्चे ही नहीं छा। तब वह ते कह दी कि तू मेरा एक काम कर। वह कहू कहो माता जी। वो कह दी कि तू जा और जाके वो पर्ची फाड़ दी जो खंभा में लगी, ताकि ये के बाद कोई मेरे लिए परेशान न हो। जानदे जानदे वो सोच दू लग दो कि जैन भी वो पर्ची लगाए हुए ले, वो आप मदद करी ना करी, पर वह ने एक पर्ची के माध्यम से ये बूढ़ी औरत की कितनी मदद कर दी। तो ये ते हमें ये शिक्षा मिल दो कि समाज सेवा करने ले जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े काम करो, छोटी सी समाज सेवा की सोच भी बहुत बड़ो काम कर दो। धन्यवाद।